वाटर बॉटल्स hmm. ले ली सब वो उतारो बॉटल उतारो अभी बाद उस दिखाओ उसका वाला शोमी चलो उस वाला अलाफीस हाथ हरम दिखाना एक मिनट लोग दिखाओ सर्दी लग रही है ना? एक मिनट खड़ी रहो लग रही है मशीन आपा जी से वालेकुम। गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब होपफुली ठीक ठाक होंगे मैं भी अलहमद ठीक हूँ जी तो आज कुछ आवाज़ आप लोगों को मेरी बेहतर महसूस होगी मुझे लगता है कि कल से बेहतर महसूस होगी मुझे ना हो रही है खांसी तो कफिंग की वजह से ऐसे होते ना जैसे गले में बोलते बोलते ऐसे लगता है कि ब्रेक आ रहे हो तो ब्रेक लग रहे हो वो फिर बोला नहीं जा रहा होता तो इस वजह से ना कल मेरी आवाज़ भी जरा काफ़ी बल्कि चेंज थी मुझे वो कह भी रही थी आ। तना अनसारी के नाम से उनका चैनल है उन्होंने मुझे कहा अभी तक कहती है आपकी आवाज़ ना काफ़ी चेंज लग रही है मैंने कहा ऐसा ही है क्योंकि खांसी की वजह से ना बोला नहीं जाता बीच में ऐसा लग रहा है जैसे ब्रेक लग रहे हैं इस तरह से आवाज़ हो रही है तो बस ये सिलसिला चल रहा है काफ़ी दिनों से मुझे लगता है दस दिन से भी ऊपर हो गए हैं दस पंद्रह दिन जब से ये हवाएँ चलना है, स्टार्ट हुई हैं ना तब से ही ये हाल है और बारिशें हो रही हैं पिंडी साइड पे तो गोलाबारी हुई है और स्नोफॉल मरी में काफ़ी हो रही है और इस वजह से ठंडी चल रही है और सिंध साइड पे भी बारिशें हो रही हैं कराची भी बारिशें हो रही हैं हमारे रहीम यहाँ में बारिश नहीं हुई लेकिन हम लोगों के ना जो सारी ठंड इधर उधर की जमा पूंज हो के ना वो हमारे एरिया में हवाएं चल रही हैं और इतनी ठंडी और वो बीमार वाली कहते हैं ना आती सर्दी भी बीमारी होती है जाती सर्दी भी बीमारी होती है तो वही हाल हमारे यहाँ रहा है <coughs> अच्छा जी ये जो आप देख रहे हैं ये मैं बना रही हूँ चावल बना रही थी मतलब वो चिकन को मैरिनेट करके फिर बाद में जो चावल दम उसमें बॉईल करके डालते हैं ना उस तरह बना रही थी मैंने कहा अच्छा इस तरह बना के देखती हूँ लेकिन वो बस बन गए सही बने चावल नए होने की वजह से ना वो इतना वो इस तरह सही बनते नहीं हैं क्योंकि फिर उसमें ना सेला चावल सही रहता है अलग से बॉयल हो ना ये जरा से टूट जाते हैं मिक्सिंग करते हुए आज बस मैंने सोचा कि बच्चों को स्कूल भेज के क्यों ना वीडियो अपलोड कर दी जाए क्योंकि मेरे पास क्लिप तो था तो मैंने सोचा इसको अपलोड कर देते हैं और साथ ही ब्लॉग भी बन जाएगा बच्चों को आज स्कूल भेज जाए हर की आज प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह से अब हर प्रेजेंटेशन में ना खुद से ही पार्ट ले लेती है और अब ऐसी हो गई है ट्रेंड कर दी है मैंने इसे प्रेजेंटेशन में यह ना और टीचर इसे पेपर दे दें दे या फिर मैं इसे राइट करके दे दूँ या खुद ही याद कर लेती है तो क्योंकि मैंने इसे ना बचपन से आदत डाली हुई है प्री वन से जिसे हम प्ले ग्रुप कहते हैं ना तब से मैंने इसे प्रेजेंटेशन्स की आदत डाली हुई है कोई भी मिस नहीं होने देती थी चाहे वो छोटी से छोटी हो अब वो माशाल्लाह से उसमें ख़ुद से ही कॉन्फिडेंट आ गया और वो खुद से ही प्रेजेंटेशन ले लेती ले है स्पीचेस में भी पार्ट ले लेती है और प्रेजेंटेश भी ख़ुद से कर लेती है बल्कि इसको अब तो ऐसे है कि ग्रेड वन में है तो बच्चा खुद रीडिंग कर लेते हैं ना लिखी हुई इसके पास हो तो मुझे इजी हो गया ये खुद से याद कर लेती लेकिन खैर करवानी पड़ती है मेहनत होती है इतनी आराम से ग्रेड वन का बच्चा भी नहीं कर पाता अब दोबारा से प्रेजेंटेशन इनका कोई इवेंट आ रहा है उसके लिए मुझे याद करवानी और टीचर ने इतनी बड़ी सी कोई दे दी है प्रेजेंटेशन उनको पता है कि जब इन बच्चों ने कर लेनी है तो इनको मैं दे दूँ और ये भी बड़े शौक से लेके आ गई है मैंने कहा अब याद भी करना है ऊपर से टेस्ट हो रहे हैं नहीं कहती मैं कर लूँगी मैंने कहा चलें ठीक है आप कर लें फिर ग्रेड uh, वन में देखें वाटर व्हील वाटर व्हील जो होता है ना टॉपिक वो दिया हुआ है जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वाटर uh, व्हील्स जो होते हैं लगे हुए उसके ऊपर इनकी कोई वो है प्रोजेक्ट वर्क है और फिर उसके ऊपर इन बच्चों ने प्रेजेंटेशन देनी है मैंने कहा मैं तो ग्रेड सेवन एट में आ गई थी तब भी मुझे इस टॉपिक का पता नहीं पता था कि नहीं पता था नाइन मैट्रिक में जा पता चला या फर्स्ट ईयर इंटर में पता चला और अब ये ग्रेड वन के बच्चों को वाटर uh, व्हील का पता है उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और उसके ऊपर प्रेजेंटेशंस हो रही हैं अच्छी बात है खैर अगर ना हो प्रेजेंटेशंस तो मेरे ख्याल में बच्चे इतना इंटरेस्ट ले, ले भी ना लेकिन आज जो कॉम्पिटिशन है पढ़ाई का वो बहुत बहुत आगे निकल चुका है हम लोगों के ज़माने में जो था ना वो ऐसा था कि सादा सादा सा दौर था और सादा सादा सी पढ़ाई थी सीधी सीधी सी पढ़ाई थी तो उसी तरह का उसी तरह के हम थे आजकल साइंटिफिक दौर है और बड़ा शार्प जो है ये टाइम है अभी भी मुझे बीच बीच में ना कफिंग हो रही है बोलते हुए तो मैं स्टॉप कर देती हूँ तो बस इस तरह है कि जिस तरह बच्चे हैं जिस तरह स्टडी है उसी तरह माशाल्लाह से बच्चे हैं आजकल के शार्प बहुत शार्प बच्चे हैं और आजकल ना एक तो ये मोबाइल इतना देखते हैं ना सारा दिन हम लोगों के टाइम में मोबाइल होता नहीं था हम लोग तो भाई खेलते थे और आजकल कल आई साइड के इतने इशूज़ हो रहे हैं कि छोटी एज से आई ही आई साइट इशूज़ स्टार्ट हो गए वही मुझे डर होता है पता नहीं अब स्क्रीन टाइम से होते हैं या कैसे ही आई साइड इतनी वीक हो रही है अच्छा मेरे जानने वाले हैं बल्कि मेरे भाई के दोस्त हैं उनकी बेटी हुई है सेकेंड चाइल्ड है पहला बेटा माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल ठीक है और दूसरा बेटा ना बे बेटी हुई है बल्कि दूसरी बेटी हुई है उन्होंने नोट किया कि वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही जब पाँच छः मंथ की हो गई ना तब उनको ज़्यादा फील होने लगा ये रिस्पॉन्स क्यों नहीं करती फिर उन्होंने डॉक्टर को चेक करवाया पहले उन्होंने सोचा बच्चा छोटा है डॉक्टर को भी नहीं पता चला उन्होंने कहा इसको क्या मतलब छोटा बच्चा है अच्छा तो फिर पता चला कि उन उस बच्ची की ना पैदाइशी बाय बर्थ उसकी आईसाइट ही नहीं है बाई बर्थ ही उसकी आई साइड नहीं थी तो अब वो इतने परेशान हैं लिटरली इतने परेशान हैं अब वो बस कह रहे हैं कि कोई ऐसा डॉक्टर मिल जाए या कुछ ऐसा इसके ट्रीटमेंट हो या कोई अगर नर्स वगैरह का मसला है ज़ाहिर पता है ना आप लोगों के माँ बाप है हर पूरी कोशिश करता है कि बस बच्चा हमारा ठीक हो जाए बस इसलिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला बेटा दे बेटी दे नेक नेकतमंदतमंदलाद जो है ना बहुत बड़ी नेमत है मैं कहती हूँ ये बच्चे को बुखार भी हो जाए तो हम इतने परेशान हो जाते हैं अल्लाह ताला ने जिनको आजमाइश में डाला हुआ है तो उनकी तो हिम्मत है ना आदमी की भी हिम्मत है अल्लाह ताला हिम्मत देख के ही तकलीफ़ देता है ऐसे किसी को नहीं देता तो बस जो जिनको जो अल्लाह के नज़दीक होते हैं कि इतना दुख बर्दाश्त कर लेंगे अल्लाह ताला भी उनको ही आजमाता है तो बस अल्लाह ताला ना उनकी बच्ची को किसी तरह ठीक कर दे जो उनके हक़ में बेहतर हो वही हो इन शस उसका सुन के ना काफ़ी वो हालांकि आना जाना नहीं है वैसे जानते हैं लेकिन वो एक दिल में होता है ना हर बच्चे के लिए कि अल्लाह ताला जब भी औलाद दे सेहतमंद दे आमीन अच्छा जी खरबूजे बड़े मीठे आए हुए हैं नए नए आए हैं मुझे लगता है वैसे मैं ना बताऊं पर्सनली तो मैं बिल्कुल नहीं खाती थी तर ये खरबूजा क्या मैं कोई भी फ्रूट नहीं खाती थी सिवाय तरबूज के अब मैं खरबूजा खा लेती हूँ और सबसे बुरा मुझे यही लगता होता था पता नहीं क्यों मुझे अब सही लगने लग गया है शादी के बाद ना कहते हैं टिंडे भी बंदा खा लेता है टिडियाँ पहले पहले होते हैं कि नखरे हम कर रहे होते हैं स्कूल से आना कॉलेज से आना क्या बनाया है अच्छा ये नहीं खाना वो नहीं खाना अब तो टिंडियाँ भी अपने हाथ की बनाओ तो वो भी टेस्टी लगती हैं <laughs> बस ऐसे ही होता है क्योंकि हमने अपने बच्चों को भी तो नसीहत करनी होती है ना कि खा लो खा लो जब खुद नहीं खाएंगे तो बच्चों को किस मुंह से कहेंगे खा लो <laughs> अच्छा जी इसी के साथ इजाज़त चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अल्लाह हाफिज़ टेक केयर